अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। लेक्चर नंबर 18 है। इसमें आज हमने मज़ीद टूल्स की बात करनी है। लास्ट टाइम हमने बात की थी, जो हमारे पास एक टूल था या पेन टूल था, पेन टूल के साथ जो है हमने सिलेक्शन टूल भी देखा था, पास सिलेक्शन टूल था इसके साथ ही। उसके बाद मज़ीद जो है हम बात करते हैं, जो टूल है आज हमने इसमें डिस्कस करना है वो हमारे पास एक नोट्स टूल है, उसके साथ ऑडियो एनोटेशन टूल है, उसके बाद हमारे पास मेयर टूल भी होता है। तो मेयर टूल अगर हम देखें, यहाँ पर डिस्कस करें, ये मौजूद है मेयर टूल। मेयर टूल की भी बात कर लेते हैं, नोट्स टूल भी है और ऑडियो एनोटेशन भी है। ये जो आपको एक ड्राइंग सी नज़र आ रही है, इससे रिलेटेड आपने कोई नोट लगाना हो यहाँ एक साइड पर, या फिर आपने इसी पिक्चर जो आपको ये बनी हुई नज़र आ रही है, इसको थोड़ा जूम कर लें और इस पर आप क्लिक कर लें, इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई आप नोट लिख सकते हैं इस पिक्चर के बारे में। और इस पिक्चर के बारे में कुछ लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर एक लिख दिया लोगो, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो ये थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाएगा। मज़ीद अगर देखना चाहें इस पिक्चर के बारे में, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा शो करा सकते हैं कि ये नोट किसी ने लगाया है, इसमें हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास नोट टूल होता है, जिसके ज़रिए हम नोट लगा सकते हैं, एक ने एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऑडियो एनोटेशन टूल होता है। ऑडियो एनोटेशन टूल क्या होता है, अगर हमारे पास माइक अवेलेबल हो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग भी हम साथ में अटैच करना चाहें कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, जहाँ पर क्लिक करेंगे ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट होगी। इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने स्टार्ट करना है, और आपके पास अगर माइक अवेलेबल है तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टॉप करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगी, फिर दोबारा क्लिक करें। माइक अवेलेबल है तो आपके पास अगर माइक अवेलेबल है तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास अगर माइक अवेलेबल है तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टॉप, ठीक है, तो ये क्योंकि माइक मेरा अटैच था तो आपने सुना कि ये जो आपको रिकॉर्डिंग नज़र आ रही थी, क्लिक करने पर ये प्ले हो जाती है, क्योंकि माइक मेरा अटैच है तो जो मैं बोल रहा था वही इसने रिकॉर्ड किया। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे दोबारा ये प्ले होगा। आपके पास अगर माइक अवेलेबल है तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टॉप, तो ये रिकॉर्डिंग हो गई। तो ये आप लगाना चाहें पिक्चर के साथ तो ये भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है, जो इस ट्यूटोरियल में हमने देखना है टूल, वो कौन सा है, मेयर टूल है। बहुत अहम चीज़ है मेयर टूल, मेयरमेंट करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर के अंदर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, शिफ्ट प्रेस करेंगे ये स्ट्रेट आएगा यहाँ तक, ये जो है कितनी मेजरमेंट है मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप ऊपर देखें ऑप्शन टूल बार में, तो आपको इसकी विड्थ बता रहा है। अब ये आपने जो यूनिट सेट किए होंगे वो सेंटीमीटर हैं, वो मिलीमीटर हैं, वो पिक्सल्स हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक ये होगा। वो आपको ख़ुद जब ड्राइंग बना रहे होंगे, आप इस पर वर्क कर रहे होंगे, आपको आइडिया होगा कि आप यूनिट कौन से सेलेक्ट आपने किए हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये मेयरमेंट के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीन टूल्स के बारे में जो मैं बता रहा था, मेयरमेंट्स के बारे में आपको बताया, नोट टूल के बारे में और ऑडियो एनोटेशन के बारे में बताया, ये आपको समझ आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आपके जहन में, कोशिश करें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप सीखना चाह रहे हैं और आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, तो आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, नई से नई सोच आपके जहन में नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन करें, खैर है कोई मसला नहीं, क्वेश्चन जैसा भी हो आप क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दिया जाएगा। आप मेल कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा लेक्चर तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह फौरन ही आपको आपकी क्यूरीज का आंसर दिया जाएगा। एंड पर रिक्वेस्ट है दुआओं की, हमेशा दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।